शहर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने आज एक प्रेस मीट मुनक्किद की, जिसमें पुलिस के कई आला ओहदेदार मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि पिछले 15-20 दिन से सोशल मीडिया पर जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, इस तरह के रूमर्स, वीडियोस, तस्वीर और मैसेजेस को जो भी अपने व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी शख्स ऐसे मैसेजेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उस पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से ये अपील करते हुए कहा कि रमजान जैसे इबादत के महीने में माहौल को बिगाड़ने की जो भी कोशिश करते हैं, ये लोग हमारे मुल्क के दुश्मन है। पुलिस कमिश्नर ने कल रात चंद्रान गुट्टे में हुए कत्ल के वाकये पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने वादा करते हुए कहा कि जो भी इस जुर्म में शामिल है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्राइम कंट्रोल न्यूज आवाम से ये अपील करता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार के इस बेहतरीन पैगाम पर अमल करें और पुलिस का साथ दें। सबसे पहले तो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आवाम को एक नसीहत, एक मशवरा, एक एडवाइस हम देना चाहते हैं। पिछले 15-20 दिनों से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट सोशल मीडिया में दुष्प्रकार और मॉर्फ करके वीडियो या दूसरे कंट्री के वीडियो जैसे इराक, सीरिया, बर्मा, श्रीलंका के पुराने वीडियोस को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर और प्राइवेट चैनल के तरफ से सर्कुलेट करके एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तरफ से उन सभी लोगों को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहता हूं कि कानून के तहत र्यूमर स्प्रेड करना, डिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, किसी भी तरह का अफवाह स्प्रेड करना जिससे पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी हो, पब्लिक में कंफ्यूजन हो, यह कानूनन एक अपराध है और उसके लिए फर्म एक्शन लिया जाएगा। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी मैं एडवाइस देता हूं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी भी तरह का र्यूमर, मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसा प्रोवोकेटिव वीडियो शेयर नहीं करें जिससे पब्लिक को किसी तरह की परेशानी हो या किसी तरह का गलत फीलिंग, गलत भावना, डिस इन्फॉर्मेशन हो। ऐसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। सोशल मीडिया और ख़ास करके व्हाट्सएप एक ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आप जाने अनजाने में भी किसी से शेयर कर रहे हैं तो आप र्यूमर फैलाने के मैकेनिज्म का एक पार्ट बन जाते हैं। तो जो भी अगर कहीं से आपको सेंसिटिव या ऐसा कुछ मटेरियल आता है, वीडियो या टेक्स्ट, आप उसको तुरंत डिलीट कर दें। और आपसे अनुरोध है, आपसे गुजारिश है कि इस तरह के मीडिया भेजने वालों के बारे में हमारे लोकल सेक्टर SI, इंस्पेक्टर्स, DCP साहिबान, जिसको भी हो आप तुरंत बताएं और हम लोग इस पर फौरन कार्रवाई करेंगे। जहां तक कल की रात का इंसिडेंट का सवाल है तो जो भी लोग इसमें पहचाने गए हैं कुछ लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है और आने वाले समय में मैं यह वादा करता हूं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं सबको अरेस्ट किया जाएगा और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये होली मंथ रमज़ान का समय है, इबादत का समय है। इसमें खास करके ऐसे लोग जो कि कोई गलत किस्म के अफवाह या र्यूमर फैला रहे हैं वो हमारे और आपके और देश के दुश्मन हैं। इनको एक्सपोज करना
आपका और हमारा सबका दायित्व है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रात के वक्त खास करके तरावी प्रेयर के बाद हमारे जो ऑफिसर्स पेट्रोलिंग में हैं, ब्लू कोल्ट पेट्रोल व्हीकल, हमारे SHOs, सेक्टर SIs, सीनियर ऑफिसर्स, ये सब आपके सर्विस में हैं, आपके साथ हैं। जब भी कोई इशू हो, कोई भी मसला हो, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डाउट के आप उनसे बात कीजिए, उनसे मिलिए, हम लोग सब मिलकर जो भी कुछ इशू है उसको सॉल्व करेंगे। किसी भी हालात में कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, और जो भी यह काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, आज हम लोग सिटी पुलिस के तरफ से यहाँ सभी सीनियर ऑफिसर्स की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हमारे सभी एडिशनल DCP ऑफिसर्स, DCP ऑफिसर्स, जॉइंट CP, एडिशनल CP सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाया है कि आने वाले समय में पब्लिक के साथ मिलकर हम लोग वी विल किल दिस र्यूमर, किसी भी तरह का र्यूमर हम लोग नहीं फैलने देंगे, और इसमें पब्लिक का फुल सपोर्ट हम लोग को चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आने वाले समय में किसी तरह का र्यूमर, किसी तरह का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के न तो आप विक्टिम होंगे और न आप उसको किसी तरीके से फैलाएंगे। थैंक यू।